बात करें मुगल रोड की, तो फलों के ट्रकों और गुज्जर बकरवालों के लिए मुगल रोड खुल जाएगा। जी हाँ, LG ने यह निर्देश दिए हैं। मुगल रोड को फल ट्रक, खानाबदोश और गुज्जर बकरवालों के लिए खोल दिया जाएगा। सड़क पिछले नवंबर 2020 से बंद है। सड़क अप्रैल के पहले सप्ताह से वाहनों के लिए खुलती थी। इस साल हाल ही में सड़क खोली गई, परंतु इसने गरीब खानाबदोशों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जब यह रिपोर्टर शोपियां में एक खानाबदोश परिवार से मिला जो राजौरी से पैदल आया है, उन्होंने राजौरी से शोपियां की यात्रा, अपने प्रत्येक संघर्ष और परेशानी और दुख को व्यक्त किया। नोमन मोहम्मद सिद्दीकी पोसवाल ने कहा कि उन्हें अपनी भैंसों के साथ शोपियां पहुंचने में 8 दिन लगते हैं। खुले आसमान में कई रातें बितानी पड़ती हैं और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें भोजन आश्रय के लिए मदद नहीं की, क्योंकि कोविड-19 से वह सभी चिंतित थे। गौरतलब है कि मुगल रोड के खोलने के संबंध में सरकार पहले ही आदेश पारित कर चुकी है। डिपकॉम को हर जिले में आवाजाही पास की सुविधा भी सुनिश्चित करनी है। और क्या, वो बच्चा भैंस का मर गया, वो गाड़ी नहीं, क्या हमें बहुत खुश हुए हैं। गवर्नमेंट का एहसान नहीं हम फरमा सकते हैं कि जो हमें आज खुशी पैदा हुई है कि आप गाड़ी ये छोड़ी है। तो आज तक तो हमें 8 दिन हो गए ये भैंस लेकर चलते हुए। अभी मेरी बकरी 30-40 माह मर चुकी है, घोड़े 2 मर गए हैं, बाल बच्चा मेरा, छोटे बच्चे 3 हैं, 3 लड़कियां मेरी, एक लड़का वहीं मान सर। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है, मेहरबानी है गवर्नमेंट की, को जो आप सुना के पीर पंजाल से गाड़ियां आएंगी तो हमें खुश हो गए। अभी मैंने चाय पिया, इधर मांग कर लाया दूसरे गांव से चाय। लॉकडाउन में हम वहां से हमें रोड पर भी नहीं चलने देते हैं। जब किसी के घर मांगने जाते हैं चाय या पानी, वो बोलते हैं ओ आप कोरोना दूर हो जाओ, हम भूखे मर जाएंगे सर। R9 भारत के लिए मीर सज्जाद, शोपियां, जम्मू कश्मीर। मेडिकल टीम ने नानी बुक कुलगाम में कोविड-19 के नमूने लिए। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। उपायुक्त कुलगाम के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग कुलगाम ने आज नानी बुक गांव में कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर स्थापित किए। इस अवसर पर प्रखंड चिकित्सा अधिकारी BMO कुलगाम डॉक्टर अबराशिद शाह ने कहा कि प्रशासन ने संदिग्ध कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के नमूने एकत्र करने के लिए एक अभिनव पोर्टल इकाई की शुरुआत भी करी है। देखिए रिपोर्ट संवाददाता मलिक निसार के साथ। जो डायरेक्शन आती है वर्ली हमारे DC साहब से, हमारे CMO साहब से, हमारे BMO साहब से, हमें जो डायरेक्शन आती है कि हर गांव में हमें सैंपलिंग करनी है और साथ साथ में हर गांव में हमें अवेयर करना है रिगार्डिंग दिस कोविड। इसका जो अभी तक जितना भी लोगों का कहना है कि जितना भी इसमें लोगों ने आइसोलेट किया खुद को, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने रखी और अपने हाथ धोए और मास्क बदस्तूर रखी, तो वो लोग बिल्कुल महफूज रहे। वैसे इस बीमारी का डेथ रेशियो को मॉर्बिडिटी में जिनकी है उनको में देखा जाता है, तो मेरी यही हमेशा सबसे गुजारिश रहती है कि अननेसेसरली बाहर ना निकले, अनहाइजीनिक ना खाए और जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले और हाथ अपने धोएं। आपके माध्यम से ये आपको तो हर जगह आपके जो माध्यम आपका मीडिया पहुंच जाता है, आपको पता है हम इस वक्त ट्रेंड ले रहे हैं, चाहे रेड जोन हो चाहे ग्रीन जोन हो। R9 भारत के लिए मलिक निसार, जम्मू कश्मीर।